एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज हिना वलेचा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आज की हमारी रेसिपी है पंजाबी कढ़ी, जिसके लिए मैंने प्रेप किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पंजाबी कढ़ी बनाएंगे हम, उसके लिए मैंने यूज़ किया है अमूल घी, अमूल मस्ती दही, और कुछ बेसन मसाले, कुछ मसाले वो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। तो ये एक दही के बेस से, दही और बेसन के बेस से ये कढ़ी बनाई जाती है। और इसमें डलते हैं बेसन के की पकौड़ियाँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसन की पकौड़ियाँ बनानी। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा ज़ीरा 1/4 स्पून, और आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया आता है उसको आप दरदरा कूट लेंगे, वो डाला है मैंने इसमें। साथ में मैं ऐड करूंगी अ पिंच ऑफ सोडा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कटी हरी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा प्याज और डालूंगी कुछ धनिया के पत्ते थोड़े से, और पानी लेकर अब इसको हम इसकी एक कंसिस्टेंसी पकौड़ी बनाने के लिए इसको पानी के साथ बना लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो ये हमारा बेसन है इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डालूंगी और उसको मिक्स करके इससे पकौड़े बनाऊंगी कढ़ी के लिए। तो सबसे पहले हम बना लेंगे पकौड़ियाँ। कई लोग प्लेन बनाते हैं, लेकिन मुझे ये प्याज और धनिया की पकौड़ियाँ, मतलब जैसा मैं अपने घर में बनाती हूँ मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर कोई आप प्याज नहीं खाते तो आप पालक भी डाल सकते हैं, खाली पालक भी डाल सकते हैं, या बिल्कुल प्लेन पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं बेसन की। साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा अदरक, ये मैंने कुछ ग्रेट करके अदरक रखा हुआ है, वो भी मैं पकौड़ी के मिक्सचर में डाल दूंगी, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं, और आपको ये इस कंसिस्टेंसी का बेसन बना लेना है। इस तरीके से हम एक बेसन का बैटर बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, अब हम तल लेंगे इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ जो हम डालेंगे कढ़ी में। ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, मैं 2 मिनट को बंद कर दिया। तो आप स्पून की हेल्प से, या अगर आपको प्रैक्टिस हो तो आप हाथ की हेल्प से भी जो पकौड़ियाँ हैं वो डाल सकती हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आपको कैसे कंफर्टेबल है आप वैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं वेट कर रही हूँ ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, बिकॉज जब हम कभी भी पकौड़े तलें तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए होता है, लाइक अच्छा गर्म हो बट बहुत ज़्यादा धुएंदार ना हो ऑयल। उससे क्या होगा, जब हम पकौड़ियाँ डालेंगे वो एकदम से लाल हो जाएंगी। अब आपको मैं एक डाल के दिखाती हूँ हाथ की हेल्प से, अब मैंने डाला तो क्या होता है कि कवरिंग जो है ना वो बहुत जल्दी रेड हो जाती है और अंदर से कुक नहीं हो पाते। ये थोड़ा सा अभी गर्म था तो मैंने इसमें डाल दिया, अब ऑलमोस्ट ये जितना टेम्परेचर मुझे चाहिए था उतने पर आ गया है, अब मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ा मैंने इसको, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है अब, ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर का है,
तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पकौड़ियाँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, जिन जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। आज हम बना रहे हैं पंजाबी कढ़ी, जिसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। ये हम बनाएंगे बेसन से, प्याज और धनिया की पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं उसमें डालने के लिए कढ़ी में। तो इस तरीके से मैंने हाथ की हेल्प से डाल दिया है और ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैंने तल ली हैं। जस्ट कम हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, गीली नहीं रहनी चाहिए ये। लाइट एंड फ्लफी होना चाहिए, ये बहुत डेंस नहीं होने चाहिए जो हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं, बहुत एरी और लाइट होनी चाहिए। हेलो ललिता जी, हेलो लीला जी, हेलो रंगना जी, हेलो हिना जी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। तो यहाँ जो हम पंजाबी कढ़ी बना रहे हैं उसके लिए मैंने पकौड़ियों को तल लिया है, आप देखेंगे ये तल रही हैं। तो इनको तल के हम साइड रख देंगे, फिर हम बनाएंगे कढ़ी का कढ़ी। अच्छे से ये कुक हो जाए जो हमने फर्स्ट डाली थी वो खो गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ और इनको भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये अंदर से गीली बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई एरी है। अब देखेंगे, ऐसा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम इसको कढ़ी में डालेंगे तो वो कढ़ी सोक करने जैसी होना चाहिए। बहुत ही डेंस अगर पकौड़े बनाएंगे ना तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं जब हम कढ़ी में डालते हैं, तो इसके लिए जो पकौड़े हैं वो बहुत एरी होने चाहिए, लाइट एंड एरी होने चाहिए। और ये जो बैटर बनाने से पहले आप इसमें सॉल्ट जरूर चेक कर लें। पकौड़ियाँ तल गई हैं, मैं इनको साइड रख देती हूँ और देखेंगे ये अब हम बनाएंगे कढ़ी का बेस। तो यहाँ ये जो ऑयल है मैं इसको उठा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रख दूंगी एक पैन जिसमें हम बनाएंगे कढ़ी। अब सबसे पहले हम कढ़ी का बेस प्रिपेयर करेंगे। तो कढ़ी का बेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है, आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ब्लेंडर ले रही हूँ और अभी हम इसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास ब्लेंडिंग जार है, इसमें मैं डाल दूंगी अमूल मस्ती दही। ये मैंने एक कटोरी दही लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच बेसन। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंगली और डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में डालूंगी थोड़ी लाल मिर्च पाउडर।
और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल दूंगी और डालेंगे हम इसमें पानी। अब पानी मैं डालती हूँ, अभी फिलहाल मैं इसमें 3 कटोरी पानी ले रही हूँ। अभी हम 2.5 लेते हैं। और इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। अभी मैंने ब्लेंडर ले लिया और सबसे पहले हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, ये बेस बन जाएगा। इस तरीके से हम जो उसका बेस या आप जो मथनी होती है उसकी हेल्प से भी बना सकते हैं हाथ से चर्न करके। तो यहाँ मैंने ब्लेंड कर ये कढ़ी का जो बेस है ये बना लिया है। आप देखेंगे कितना थिक है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेंडर। मैं आपको उसका बेस का थिकनेस दिखा रही हूँ कितना है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन लिया है और 1 कप दही लिया है, साथ में मैंने इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है, नमक और हल्दी डाला है। तो ये हमारा जो बेस है ये रेडी हो गया है। मैं पैन को फिर ऑन कर लेती हूँ। अब एक यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अमूल घी। तो ये सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच अमूल घी पैन में। देखेंगे पैन में मैंने घी डाल दिया है। घी को हम गर्म होने देंगे। अब घी में मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा और हींग। ये जीरा और हींग तड़क गया है, साथ में थोड़ा सा ये जो जिंजर बचा हुआ है ये भी मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी, बिकॉज जो ये जिंजर है ये इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने बेस बनाया था कढ़ी का, ये मैं इसमें पोर कर दूंगी। अब इसको थोड़ा स्टार करते हुए हम इसको बॉईल आने देंगे। जब तक ये बॉईल हो रही है हम वेट करेंगे। बॉइल आना स्टार्ट हो गया है कढ़ी में, उसको हमें थोड़ा कंटिन्यूसली स्टार करते हुए बॉइल करना है, जैसे इसमें कोई लम्ब्स ना पड़े। अच्छे से हम इसको एक अच्छा गुड बॉइल आने तक इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, जैसे ये जो कढ़ी है ये लम्पी ना हो। पर जो ये कढ़ी है ये बहुत देर करने के बाद इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जितना ये कढ़ेगी उतना अच्छा टेस्ट देगी। बट लाइफ में हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो मैं कोशिश करूँगी मैक्सिमम उसको काटने की, इसीलिए मैं क्वांटिटी थोड़ी कम बना रही हूँ कि जैसे जल्दी से ये कट जाए और कढ़ी बन जाए हमारी बहुत ही टेस्टी। तो अब यहाँ पर ये जब तक बॉईल होएगा तब तक मैं इसको थोड़ा मिक्स करती रहूँगी। तो
और इतना हमें बॉईल करना है कि इसका कच्चापन जो है बेसन का वो अच्छे से निकल जाना चाहिए, उसका रॉनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब ये जो कढ़ी है ये कुक होती है, मतलब लाइक अच्छा टेस्ट देती है। लाइक हमारा जो जो बेसन का इसमें टेस्ट है वो उसमें रॉनेस नहीं आनी चाहिए, वो अच्छी तरह से कुक हो जानी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं वो हमें थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी होती है। कई लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, प्याज और लहसुन भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ मैं इस तरीके से। मैं जो अपना वे है, जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ, मैं वो वाला वे आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हर घर की जो कढ़ी है वो डिफरेंट बनती है, पकौड़ियाँ डिफरेंट स्टाइल से बनती हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हर कोई करता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जो बेसिक्स हैं वो यही रहेंगे कढ़ी को बनाने के। इसमें मेथी दाना भी डलता है, वो मैंने आज डाला नहीं है। मैंने जो फर्स्ट तड़का था उसमें हमें मेथी दाना भी डालना था, वो मैंने डालना मैं भूल गई हूँ, तो इसको आप ऐड कर लेना। मेथी दाना आता है, एक सीड्स होते हैं मेथी के, वो भी जीरे के साथ हम डाल देते हैं। आप देखेंगे ये तैयार बेस है, जब हम इसको प्रॉपरली कुक कर लेंगे ना तो ये इस टेक्सचर की जो कढ़ी है वो इस टेक्सचर की होनी चाहिए। बट अभी इसको बॉयल होना बाकी है, तो मैं इसमें एक कटोरी पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी रॉनेस निकलनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। एक्चुअली मैं पहले ही ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लाइव में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि उसको हम बहुत घंटे मतलब लाइक 45 मिनट्स तक हम इसको अच्छे से बॉईल करते रहें। अगर आपके पास टाइम है आप इसको सिम पे 40 मिनट्स तक अच्छा गुड बॉयल आने दें, उसके बाद ही ये कढ़ी रेडी होगी। तो ये अब हमारा जो बेसन है ये रेडी हो गया है, इसमें मैं थोड़ा और पानी डालूंगी। ऑलमोस्ट अभी मैंने इसमें 3.5 कटोरी पानी डाला है, ये मैं 4.5 कटोरी पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें पकौड़े भी डालने हैं तो वो पकौड़े भी पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तो कढ़ी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी पहले हम इस कंसिस्टेंसी का बनाएंगे। मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है और 4.5 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है, साथ में मैंने 1 कप दही लिया था। रेशो बता रही हूँ मैं आपको, तो ये अच्छा बॉईल आ जाए, और साथ साथ इसके अंदर मैं ये जो पकौड़े हैं वो ऐड करूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा ये आधी कुक हो जानी चाहिए कढ़ी, उसके बाद हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। हेलो रूबी जी, हेलो श्वेता, सविता, हेलो सविता जी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आज हम अमूल के फेसबुक पेज पर लाइव ये पंजाबी कढ़ी बना रही हूँ मैं, और पंजाबी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बनाई बेसन की पकौड़ियाँ। ये मैंने इस तरीके से बेसन का बैटर बनाया है, बेसन के अंदर मैंने डाला नमक, लाल मिर्च, थोड़ा पिंच ऑफ सोडा, थोड़ा साबुत धनिया, थोड़ा प्याज, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च, ये सब डाल के मैंने एक नमक और मिर्च डाल के ये एक इस तरीके से एक स्मूथ पकौड़ियाँ बनाने का बैटर बनाया और इसको तल लिया, और तलने के बाद ये इस तरीके से हो जाएंगी। और यहाँ पर हमने बनाया कढ़ी का बेस, कढ़ी का बेस हमने बनाया दही बेसन और पानी से, तो ये एक अच्छा बॉईल आ गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पकौड़ियाँ और इसको भी हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। इस टाइम पर जो है आप इसके अंदर सॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं। इट्स परफेक्ट
जितना मैंने इसमें सॉल्ट डाला है परफेक्ट है अपनी कढ़ी के लिए। और इसको हम अच्छे से बॉईल आने देंगे और अच्छे से, अब इस टाइम पर आप इसको कम से कम भी आधा घंटा बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको आप अच्छे से बॉईल होने दें। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसका सेकंड तड़का बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसका सेकंड तड़का कैसे बनेगा। तो तब तक मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और हम बनाएंगे इसमें दूसरा तड़का। और इसको जब आप बनाएं तो आप इसको अच्छे से पहले बॉईल करें, काढ़ें, कढ़ी को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में सॉरी, ये जो कढ़ी है इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा कसूरी मेथी भुरक के, इस तरीके से ये कसूरी मेथी डाल देंगे हम और इसको भी एक अच्छा मिक्स दे देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कढ़ी जो है ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये तड़का। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इस कढ़ी को हम ज्यादा देर तक बॉईल करेंगे जब हम बनाएंगे। तो इसमें ऐड करूंगी मैं अगेन थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, पिंच ऑफ हींग और ये साबुत लाल मिर्च, इसको भी हम तोड़ के डाल लेंगे। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा देगी मिर्च, इस तरीके से देगी मिर्च डाल दी मैंने और ये इस तरीके से इसका दूसरा तड़का बन जाएगा और हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो देखिए ये बहुत ही डिलिशियस हमारी जो पंजाबी कढ़ी है ये रेडी हो गई है। इसको आप जीरा वाले राइस या चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब अ क्लोजर लुक, आप देखेंगे ये कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा इसमें एरोमा आ रहा है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग ट्राई करें और बताएं कि आपको इस मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ ये रेडी हो गई है। अदर इंटरप्शन, हाँ तो ये जो हमारी जो पंजाबी कढ़ी है ये रेडी हो गई है। मैं इसको सर्व कर दूंगी। बस आप इसको अच्छे से थोड़ी देर बॉईल होने दें और वो इस तरीके से आपको दिखेगी। और जो भी आप डिश में सर्व करें आप उसके ऊपर भी डायरेक्टली तड़का डाल सकते हैं। जो सेकंड तड़का है वो आप जब सारा उसको डिश में परोस दें उसके बाद आप इस तड़का को डालें। तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगा जो तड़का है। तो यहाँ पर ये जो हमारी पंजाबी कढ़ी है ये रेडी है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम आकर अपने सिंपल होममेड रेसिपीज़ हैं वो शेयर करते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड इवनिंग।